अस्सलाम वालेकुम किड्स, हाउ यू ऑल। वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। इन दिस क्लास द बुक आई एम यूजिंग हियर इज कॉल्ड साइंस फॉर क्लास सिक्स। सो लेट्स गो टू कंटेंट्स एवरीवन। हियर वी आर ऑन कंटेंट्स। कंटेंट्स में जो यूनिट आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूनिट नंबर 7, एटम्स मॉलिक्यूल मिक्सचर एंड कंपाउंड, एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 51। सो लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 51 एवरीवन। हियर वी आर ऑन पेज नंबर 51, यूनिट नंबर 7, एटम्स मॉलिक्यूल्स मिक्सचर एंड कंपाउंड। All things around us are made of matter. हमारे आसपास मौजूद तमाम चीज़ें matter की बनी हुई हैं, मतलब मादे से बनी हुई हैं। Matter is made of atoms. Matter जो है वो atom से बना हुआ है, ज़र्रात से बना हुआ है, मतलब मुख्तलिफ। Atom is the smallest particle of the matter which takes part in a chemical reaction. Atom जो है वो किसी भी matter का smallest हिस्सा होता है, मतलब सबसे छोटा हिस्सा होता है, जो कि chemical reaction के दौरान उसमें जो है वो रोनुमा होता है। वी कैन नॉट सी एटम्स बिकॉज दे आर सो स्मॉल। हम एटम्स नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग से नहीं रह सकते। एटम क्या होते हैं? छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं। हर चीज़ आपकी एटम से मिलकर बनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पेंसिल की मिसाल लें तो ये भी छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनी है, लेकिन वो एटम्स बहुत छोटे होते हैं इसलिए हमें अपनी आँखों से नज़र नहीं आते। उनसे कंबाइन होकर फिर कोई एक चीज़ बन रही होती है, जैसे ये पेंसिल आपको बनकर मिली है। टू और मोर एटम्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जैसे दो या दो से ज़्यादा एटम जो है वो जॉइन हो सकते हैं, मिलकर आपस में एक बड़ा पार्टिकल बना सकते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब इनफरादी तौर पर वो एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद होते हैं। Sometimes a molecule has the same kind of atoms. कभी कभी molecules में same तरह के atoms होते हैं, लेकिन कभी क्या होता है, different atoms combine to form molecules. कुछ अलग अलग किस्म के chemicals combine, atoms combine होते हैं molecule बनाने के लिए। For molecule has three atoms, one oxygen atom and two hydrogen atom. जैसे पानी के अंदर molecules तीन तरह के हैं, जैसे कौन कौन से, oxygen अलग molecule है, oxygen atom जो है molecule है, एंड टू हाइड्रोजन एटम्स, दो हाइड्रोजन के एटम शामिल हैं और ऑक्सीजन के एटम शामिल हैं। तो ये तीन एटम्स, मतलब जो हैं दो डिफरेंट तरह के एटम से मिलकर जो है पानी बनता है। डिड यू नो द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजिबल, बट नाउ द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एन एटम इज़ डिविजिबल। एटम का मतलब है इनडिवाइजिबल। इनडिवाइजिबल मतलब उसे तकसीम नहीं किया जा सकता, लेकिन साइंटिस्ट अब ये डिस्कवर किया है कि इसे डिवाइड किया जा सकता है, ये डिवाइजिबल है। Atoms are made of the fundamental particles that called electrons, protons and neutron. Atoms जो हैं fundamental particles से मिलकर बने हैं, जो क्या कहलाते हैं वो, electron, proton and neutron. These particles are even smaller than the atom. अब जाहिर सी बात है, atom खुद बहुत छोटा ज़र्रा होता है जिसे हम देख नहीं सकते आँख से, तो जो जिन चीज़ों से वो मिलकर बना है तो वो उससे भी smaller है। तो electron, proton और neutron जो है वो atom से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? ऐसा मैटर, ऐसा मादा हम बना रहे हैं जो कि सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल है, एक ज़र्रे पर मुश्तमिल है, उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। एक एलिमेंट्स मतलब कि वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना है, दो तरह के एटम उसमें शामिल नहीं है। तो सोना, चांदी और जो तांबा होता है, ये एग्जाम्पल हमारे एलिमेंट के। If we take a piece of coal which is carbon and break it into very small pieces, अगर हम एक कोयले का टुकड़ा लेंगे और उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे, we will find that it is very small pieces also coal carbon. हम ये find out करेंगे कि उसका जो सबसे छोटा small piece भी है वो भी carbon ही है, मतलब वो भी कोयला ही है, वो कोई और चीज़ नहीं है। Elements cannot be broken down into further simpler forms by ordinary chemical process. इससे ज़्यादा छोटे फॉर्म में आप केमिकल्स, एलिमेंट जो है उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते जब तक उनके साथ कोई केमिकल प्रोसेस ना किया जाए। जैसे यहाँ पर गोल्ड आपके सामने मौजूद है, तो गोल्ड को आप अलग अलग पीसेस में नहीं तोड़ सकते जब तक किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसे ना गुजारें। सल्फर एंड गोल्ड आर एलिमेंट्स एंड एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट जो है, एलिमेंट क्या होता है बेसिकली, फिर से मैं आपको बता दूँ, एक एलिमेंट वो होता है जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बना हो। गोल्ड में गोल्ड के ही एटम शामिल हैं और कोई एटम शामिल नहीं है, तो इसलिए इसे एलिमेंट कहा जाता है। देर आर 109 एलिमेंट्स नोन टू द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट अब तक 109 एलिमेंट्स का पता लगा लिया है। अराउंड 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड। तकरीबन 92 जो हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अदर एलिमेंट्स आर मेड बाय साइंटिस्ट, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो इंसानों ने
खुद बनाए हैं, मतलब साइंसदानों ने बनाए हैं। आयरन इज़ अ सॉलिड एलिमेंट, मर्करी इज़ अ लिक्विड एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट इन गैसेस स्टेट। आयरन जो है एक सॉलिड एलिमेंट है, मर्करी अलग एक लिक्विड फॉर्म में एलिमेंट है, मर्करी क्या होता है पारा जो होता है, और ऑक्सीजन जो है हमारी वो भी एक अलग एलिमेंट है लेकिन ये गैस की फॉर्म में होती है। मतलब एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में पाया जा सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। तो सॉलिड में यहाँ पर कौन सा है, आयरन है, और लिक्विड में हमारे पास मर्करी है, और जो गैसेस में है वो हमारा ऑक्सीजन है। तीनों चीज़ें क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। कॉमन एलिमेंट्स हैं, देयर सिंबल्स। सिंबल्स क्या होती है, जिसे निशानदेही किसी चीज़ की करने के लिए उसकी कुछ निशानियाँ बनाई जाती हैं। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स को पूरे प्रॉपर तरीके से याद करना, उनको फॉर्मूले में इस्तेमाल करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए सिंबल्स बना दी जाती है, मतलब शॉर्ट फॉर्म उनकी बनाई जाती है। ईच एलिमेंट इज़ अ गिवन सिंबल, अ सिंबल इज़ अ एब्रीविएटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट। ये एब्रीविएटेड नेम होता है किसी भी एलिमेंट का, मतलब इसे बिल्कुल शॉर्ट में लिखा जाता है। द सिंबल कंसिस्ट ऑफ वन और टू लेटर्स टेकन फ्रॉम द इंग्लिश और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। और ये जो एब्रीविएशन है वो उसी के नाम के कुछ शुरू के वर्ड से लेकर बनाई जाती है जो कि इंग्लिश या लैटिन नेम है उसी एलिमेंट का। जैसे गोल्ड है, गोल्ड के बारे में हम क्या यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, नाम गोल्ड के लिए हमारा यूज़ हो रहा है। फिर यहाँ पर जैसे इस्तेमाल हो रहा है ऑरम, तो ये क्या है आपका लैटिन नेम है उसका, तो उस लैटिन नेम से निकाल कर ए यू उसका सिंबल बनाया गया है। एच इज़ अ सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, एन ए इज़ अ सिंबल ऑफ सोडियम हुज लैटिन नेम इज नेट्रियम। अब देखिए आप, सोडियम जो है वो एस से है लेकिन उसका सिंबल जो है एन ए है, तो वो एन ए क्यों है, क्योंकि ये उसका लैटिन नेम है, नेट्रियम इसका लैटिन नेम है, तो हमने एन ए उसका सिंबल यहाँ पे देखा। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ए एल है, कैल्शियम का सी ए, कार्बन का सी, क्लोरीन का सी एल, कॉपर का सी यू क्योंकि उसे क्यूप्रम कह रहे हैं, गोल्ड का ऑरम है तो ए यू कहेंगे, हाइड्रोजन एच, आयोडीन आए, इसके अलावा आयरन जो उसे फेरम कहा जा रहा है लैटिन जबान में तो वो एफ ई है, मरकरी को हाइड्रेट ड्रम कहा जा रहा है तो वो एच जी है, नाइट्रोजन एन है, ऑक्सीजन ओ, फॉस्फोरस पी, सिल्वर जो है उसे आर्जेंटम कहा जाता है तो वो ए जी है, सल्फर एस, और सोडियम नेट्रियम है तो इसे हम एन ए बोलते हैं। तो इस तरीके से आपकी सिंबल्स बनाए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन मतलब उसे अलग अलग शाखों में बांटना। साइंटिस्ट क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू टू मेन ग्रुप्स, मेटल एंड नॉन मेटल। साइंटिस्ट ने एलिमेंट को दो चीज़ों में डिवाइड करा है, दो ग्रुप में डिवाइड करा है, मेटल और नॉन मेटल, मतलब धात और गैर धातें। मेटल्स क्या हैं, अबाउट 70% एलिमेंट्स आर मेटल, 70% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं, बाकी के 30% क्या है वो नॉन मेटल है। ऑल मेटल्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जितने भी मेटल होते हैं वो तकरीबन उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ फिजिकल जो है वो सिमिलर है, मतलब जो जिस्मानी तौर पे वो दिख रहे हैं, फिजिकली तौर पे वो आपको दिख रहे हैं, वो एक जैसे ही होते हैं तकरीबन। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी और ग्रे सॉलिड एंड दे कैन बी मोल्डेड और शेप्ड बाय हीटिंग और प्रेसिंग। ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं वो क्या होते हैं, वो शाइनी होते हैं, मतलब चमकदार होते हैं, और ग्रे कलर के सॉलिड कलर में होते हैं, और उन्हें ईजीली हीट अप करके शेप दी जा सकती है अलग तरीके से। जैसे हमारे किचन यूटेंसिल्स होते हैं, मतलब किचन के जो हमारे बर्तन होते हैं, तो उन्हें क्या है, ये क्या है हमारे मेटल है, और इन मेटल को हीट अप करने के बाद चमचे की फॉर्म में या इन चीज़ों की फॉर्म में लाया जाता है। तो ये एलिमेंट जो है वो शाइनी ग्रे सॉलिड होते हैं और वो ईजिली मोल्ड हो जाते हैं। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज दे अलाउ देम टू पास थ्रू। सम कॉमन मेटल्स आर गिवन बिलो। और मेटल्स क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर हैं, मतलब मेटल पे जब बिजली टकराती है या गर्माइश टकराती है तो बड़े जल्दी अपने में उस हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को फैला लेते हैं और बड़े अच्छे से कंडक्ट करते हैं, मतलब उसे रोक नहीं लेते। जैसे कि लकड़ी है, जो लकड़ी है ये मेटल नहीं है, ठीक है, ये लकड़ी है, तो इसके ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी या हीट हम करेंगे तो वो बहुत अच्छे से कंडक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को बड़े अच्छे से कंडक्ट भी करते हैं और उसे जो है बहुत हीट को भी बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहे होते हैं। कुछ कॉमन मेटल्स क्या हैं, एल्युमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, लीड, मर्करी, ये सारे क्या हैं आपके मेटल्स जो हैं। मर्करी भी आपकी धात ही होती है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर फ्री मतलब सॉलिड हो जाती है, लेकिन उसे जब हीटअप किया जाता है तो वो लिक्विड रहती है, लेकिन जैसे ही उसे हीट पे से हटाया जाए वो फौरन सॉलिड हो जाती है, तो ये भी मेटल है। मेटल्स द एलिमेंट्स अदर देन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। ऐसे एलिमेंट जो मेटल नहीं होते उन्हें नॉन मेटल कहा जाता है। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम मेटल। इनकी प्रॉपर्टीज़ जाहिर सी बात है, इनकी खसूसियात मेटल से डिफरेंट होती हैं। नॉन मेटल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड यू कैन नॉट मोल्ड और शेप दैम। सॉलिड और नॉन मेटल, सॉलिड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं और आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, उसे ईजिली मोल्ड आप नहीं कर सकते।
मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास थ्रू देम, दे आर नॉन कंडक्टर्स. और बहुत सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में कंडक्ट नहीं कर सकते, तो नॉन कंडक्टर्स कहा जाता है. जैसे कि जो आपके जो बेड होते हैं उसके जो फोम होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, नॉन कंडक्टर्स कहेंगे. दिस ऑफ सब कॉमन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन एलिमेंट के इस्तेमाल, एलुमिनियम, जैसे एलुमिनियम की धात बनाई गई, सिल्वर की रिंग्स बनाई गई है, आयरन से आप अपने जो नट्स वगैरह बना रहे होते हैं किसी भी मशीनरी के, गोल्ड की रिंग्स बनती है, ज्वेलरी बनती है, कॉपर से आप देखते हैं कॉपर की वायर्स होती हैं, कॉपर वायर्स बड़े अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही होती हैं, तो कॉपर की वायर्स में बड़ा इजीली जो है कॉपर वो यूज़ किया जाता है ताकि वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ऑफ मेटल्स, जो मेटल होता है उसकी फिजिकल खसूसियात क्या होती है और उसके इस्तेमाल क्या होते हैं. मेटल्स आर वाइडली यूज इन आर एवरीडे लाइफ ड्यू टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. हम अपनी डेली लाइफ में मेटल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारी गाड़ियों में, हमारे फर्नीचर में भी मेटल लगा होता है, कभी हमारे घर में मेटल यूज़ हो रहा होता है, हमारी विंडोज़ में, हमारे डोर्स में, मतलब हमारी बहुत सारी घर की भी चीज़ों में और रूटीन की लाइफ में मेटल नज़र आ रहा होता है इस्तेमाल में. स्टेट, मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, हाउएवर मर्करी इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट. मर्करी इज़ फिल्ड इन अदर इन थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर. स्टेट जो है वो क्या है, मेटल्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, मर्करी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन वो भी उसे भी मेटल ही काउंट किया जाता है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे आने पर फौरन सॉलिड हो जाता है. और मर्करी को जो है थर्मामीटर में डाला जाता है, वो थर्मामीटर जिससे आप अपना बुखार चेक करते हो या अपने रूम का टेम्परेचर वगैरह चेक करो, थर्मामीटर में क्या होता है, मर्करी होता है. तो वो मर्करी होता है जो कि ऊपर जा रहा होता है आपके थर्मामीटर में, जिसका पारा चढ़ता है, कहते नहीं पारा चढ़ता जा रहा है, तो वो पारा जब ऊपर की तरफ चढ़ता है तो आपका टेम्परेचर पता चल रहा होता है हीट की वजह से या ठंड की वजह से. ठंड की वजह से क्या होता है, वो सॉलिड हो जाता है, और हीट की वजह से वो पिघल के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है. हार्डनेस, मोस्ट मेटल्स आर हार्ड सॉलिड. फॉर एग्जांपल आयरन इज़ यूज्ड टू मेक स्टील. बहुत सारे एलिमेंट जो है वो हार्ड सॉलिड है, जैसे कि आयरन जो है वो स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. द स्टील इज़ देन यूज फॉर मेकिंग रेल्स. स्टील से भी क्या करा जाता है, रेल्स बनाई जाती हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, ग्रेडर्स बनाए जाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, और यूटेंसिल्स बनाए जा रहे हैं, आपके बर्तन जो होते हैं. लस्टर, फ्रेशली कट मील्स. मेटल्स हैव ब्रिलियंट शाइन कॉल्ड लस्टर. जो फ्रेशली कट मेटल होता है उसमें बड़ी अच्छी शाइन होती है, तो उसे हम लस्टर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूज टू मेक यूटेंसिल्स एंड पिक्चर फ्रेम्स ड्यू टू इट्स लस्टर. एल्युमिनियम को यूटेंसिल और पिक्चर फ्रेम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसके लस्टर की वजह से, मतलब कि चमक की वजह से. गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स बिकॉज ऑफ देयर शाइन. गोल्ड और सिल्वर जो है उनसे ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है क्योंकि उनकी शाइन बहुत अच्छी होती है, कलर बहुत अच्छा होता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल्स में जो है वो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट पे मेल्ट हो जाते हैं वो. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज टू मेक किचन यूटेंसिल्स. और इसी खसूसियत की वजह से जो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम है उनको पिघलाकर उनसे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं किचन के. स्ट्रेंथ ऑफ मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मतलब है कि आप जो है ना उस मेटल को बड़े अच्छे से हीट अप करने के बाद उसे कूट कूट कर उससे डिफरेंट चीज़ें बना सकते हो. जैसे कि आपने देखा होगा आयरन जो है, आयरन को तपाया जाता है, पहले गर्म किया जाता है, उसके बाद फिर उस पर हथौड़े मार के उससे जो है तलवारें वगैरह बनाई जाती हैं, पतली पतली शीट्स तैयार की जाती हैं. मेटल्स आर यूज टू मेक शीट्स, वायर्स एंड स्प्रिंग्स ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी. मतलब अपनी एबिलिटी की वजह से उनकी शीट्स वगैरह बन जाती हैं, वायर्स भी बन जाती हैं और स्प्रिंग वगैरह बन जाते हैं. मतलब उनको हीटअप करने के बाद उन पर ज़रा प्रेशर डालकर आप उनको चेंज कर सकते हो शेप में. कंडक्टिविटी, मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर. दे हैव द प्रॉपर्टी टू अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास या इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी वही बात कि मेटल जो है वो बड़े अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, इसीलिए इनसे जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह भी बनाई जाती है कॉपर और एल्युमिनियम से. तो कहते हैं ना, आपने कभी सुना होगा कि एल्युमिनियम की फाइल जो होती है, एल्युमिनियम की जो वायर होती हैं वो बड़े तरीके से अच्छे से ना सिग्नल्स को भी कैच करती हैं, वाईफाई सिग्नल कैच करती हैं, बिजली को कंडक्ट करती हैं, तो ये बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो इन्हें कंडक्टिविटी कहा जाता है इस इनकी खासियत को. लव्स मतलब कि भरत करके चीज़ों को बनाना, सॉलिड करके मतलब उनमें. एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज द एबिलिटी टू फॉर्म एलॉयज. एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो है मेटल की वो ये होती है कि ये एलॉयज बनाए जाते हैं, मतलब भरत की जा सकती है. जैसे ये मग है अगर, तो इसके नीचे वजन होगा, वेट होगा, तो इसमें मेटल भरा हुआ होगा. जैसे ये ब्रास है, तो अगर इसके नट्स वगैरह बनाए गए हैं तो इनको भर के थोड़ा हैवी बनाया जाता है, ये हैवी भी होते हैं. एन एलॉय कंटेन्स मोर देन वन मेटल. एलॉय में एक से ज़्यादा मेटल शामिल होता है. जर्मन सिल्वर इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल.
जर्मन सिल्वर जो है वो किसका एलॉय है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर भरी गई हैं, कॉपर जिंक एंड निकल, इन चीज़ों को शामिल किया गया है इसके अंदर। इट इज़ यूज इन ज्वेलरी, ये ज्वेलरी में यूज़ होते हैं। ब्रास इज़ द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रास किन चीज़ों से मिलकर बना है, कॉपर एंड जिंक से, विच इज़ यूज टू मेक पाइप्स, हॉर्स नोजेज एंड ज्वेलरी। ये पाइप्स बनाने के लिए होते हैं, हॉर्स नोजेज बनाने के लिए यूज़ होता है, ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए यूज़ हो रहा होता है इस तरह, मतलब इसमें और दूसरी धातें शामिल करके। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूज ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और यूजेस क्या होते हैं। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट, ये भी तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉन हार्ड, मोस्ट नॉन मेटल्स हैव नो शाइन और लस्टर, मोस्ट नॉन मेटल्स जो हैं वो हार्ड नहीं होते और उनके अंदर शाइन या लस्टर नहीं होता। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होता है, क्योंकि अगर ये हार्ड सॉलिड होंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मोस्ट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोस्ट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, तो ये क्या है, नॉन मेटल है। हाउएवर ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी अच्छी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन मोस्टली मतलब ज़्यादातर जो है वो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। इनके यूजेस क्या होते हैं, एयर कंटेन्स सेवरल गैसेस विच आर नॉन मेटल एलिमेंट्स, हमारी हवा जो हम जिसमें हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों भी गैसेज हैं और ये दोनों नॉन मेटल हैं, ठीक है। वेल्डर्स यूज फ्लेम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर कटिंग द वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मेटल। वेल्डर्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है फ्लेम, उसकी तेज़ फ्लेम निकलती है वेल्डिंग मशीन, अगर आपने कभी देखी हो यूज़ होते हुए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से वो तेज़ फ्लेम निकालते हैं उसमें से और वो मेटल्स की वेल्डिंग करने में हेल्प कर रही होती है, तो ये भी नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेज जो हैं वो फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होती है, मतलब खादों के तौर पर भी। वनस्पति घी इज़ मैन्युफैक्चर बाय द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड वेजिटेबल ऑयल, अब वनस्पति घी जो हम खाने में इस्तेमाल करें, दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल, और ये कैसे बनाया जा रहा है, हाइड्रोजन और वेजिटेबल ऑयल की वजह से। फॉस्फोरस इज यूज इन मैच इंडस्ट्री, फॉस्फोरस जो है माचिस बनाने वाली इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ऑक्सीजन गैस इज यूज इन हॉस्पिटल, ऑक्सीजन गैस हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है, ताकि अगर ऑपरेशन के दौरान या किसी प्रोसेस के दौरान सांस सही तरीके से ना आए तो वो उन्हें ऑक्सीजन देने में हेल्प करें। कार्बन एज डायमंड इज यूज इन ज्वेलरी, कार्बन जो है वो डायमंड की शक्ल में किस में इस्तेमाल होता है, ज्वेलरी की ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट ये भी कार्बन की एक फॉर्म होती है, इज़ यूज इन मिक्सिंग विद क्ले इन पेंसिल्स, कार्बन जो है वो क्या कैसे इस्तेमाल होता है, बाय मिक्सिंग विद क्ले इन पेंसिल्स, पेंसिल के साथ जो है क्ले के साथ मिक्स करके पेंसिल बनाई जाती है, जैसे अभी मेरे हाथ में ये पेंसिल है, दिस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट डायमंड कार्बन इज नॉन मेटल बट इट इज़ द हार्डेस्ट मेटल, डायमंड कार्बन जो है वो नॉन मेटल होता है और वो हार्डेस्ट मेटल है, ज़मीन पर मौजूद जितने भी मेटल उनमें सबसे हार्डेस्ट मेटल है, इसको यूज़ किया जाता है डिफरेंट चीज़ों को काटने के लिए। इट इज़ शाइनी एंड यूज्ड इन ज्वेलरी, इट इज़ ऑल्सो यूज टू कट ग्लास, ये बड़ा शाइनी होता है, ज्वेलरी में बनाने में इस्तेमाल होता है, और जो डायमंड है इसे ग्लास को कट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरी वन, अल्लाह हाफिज़।